काजल नहीं आई क्या आज क्लास में? तो नहीं सर, रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए नहीं बताया आज काजल? अच्छा सर वो चैट ब्लॉक। अच्छा ठीक है, याद रखना आगे से ना, तुम्हारा टास्क है ये, यस आपको सर। अच्छा गया ये। सबको एक एक काम दे देते ना, और काम को है ना डेलीगेट कर देना चाहिए, डेलीगेट समझते हो, सबको बांट देना चाहिए, तो उससे क्या काम भी हो जाता है और ज्यादा प्रेशर बर्डन में नहीं आता किसी पे। हाँ भाई, आंसर नहीं आया क्या अभी तक? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं आया उसने। ये तो इजी क्वेश्चन था धर्मेंद्र। आंसर आया बेटा? यस नहीं आया? सर, नो क्या बात कर रहे हो यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे भरे हुए हैं मेरी क्लास में, मैं सबका तारीफें करता रहता हूँ सबके सामने, ऐसे करोगे क्या तुम? कमन, शिखा, काजल, जानवी, किसी का नहीं आया? ऐसे मत करो यार, आंसर निकालो। चलो अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख दो चैट में, है ना, डिस्कस करते हैं फिर अगर नहीं आ रहा है सर तो। मेरा चैट अवेलेबल क्या नहीं है। यस सर, चैट इनेबल नहीं है? अच्छा ठीक है, रुको चैट करते हैं, अवेलेबल करते नहीं है। हैं, करते हैं, जुगाड़ करते हैं। अभी ट्राई करो, कूल। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो डिस्कस करते हैं फिर इसको यार। एक्सप्लेन, दीपा लिख रही एक्सप्लेन, बेटर डिस्कस तो करें पहले, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है यार, देखो इधर देखो, अब पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है ना, कोई चार्ज पार्टिकल है उसके, उसको तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में तुम रखोगे चार्ज पार्टिकल को, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना, मोशन में आ जाएगा ना, उसकी कुछ यस वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी उसके अंदर, है ना। तुमको हिंट मैंने दी थी क्वेश्चन में, होना चाहिए था उसके बाद। तो अगर ये मोशन में आ रहा है बच्चों, तो इसकी सिंस इसको बोला गया है कि रेस्ट पे रखा हुआ है, तो हिंट दिया देखा करो, कुछ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, हिंट्स ढूंढो, है ना, क्वेश्चन में। गिवन तो तुम लिखते नहीं हो, गिवन लिखोगे तो मैंने बताया था गिवन लिखने से क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है, दिखने लगता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि एट रेस्ट पे, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो जीरो। लेकिन हीरो हिंट दी रखी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो मोशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो क्या आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा, है ना। मोशन में आएगा तो कोई यस फाइनल वेलोसिटी आएगी उसकी, है ना, कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी जिस पे कि वो मूव करना चालू कर देगा, है ना, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होने लग जाएगी, वर्चू ऑफ इट्स मोशन, यही तो होता है एनर्जी अक्वायर्ड बाय एनी पार्टिकल ड्यू टू वर्चू ऑफ इट्स मोशन, है ना। तो भाई सर, ठीक है, लिखते हैं मोशन अगर हो रहा है तो मोशन की इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट में, सबसे पहले तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, टू ए एस। टू ए अच्छा एक्स। जीरो हो जाएगी यू तो, यस सर, और एस यस कितना दिया सर, हुआ है, वाई दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, डिस्टेंस वाई है ना, ये जो वेलोसिटी उसने गेन की है उससे कहां तक गया है वो, वाई डिस्टेंस तक गया है, हाँ या ना। यस सर, तो यस फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से मैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो प्लस टू ए वाई, ये आया? सर, यस कोई डाउट सर, यहां तक किसी को? नो सर, नो सर, नो सर। तो फिर आगे चलो, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, टू इंटू ए इंटू वाई, है ना, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, टू इंटू एफ अपॉन एम लिख सकता हूं क्या, यस सर, फोर्स इक्वल टू मास इंटू यस एक्सेलरेशन सर, ना, है ना, तो ये लिख दिया मैंने। यस क्या सर, फोर्स क्या होता है, क्या फोर्स चार्ज पे क्यू ई होता है, यस सर, तो इसको मैं क्यू ई लिख दूंगा, क्यू ई ऊपर आ गया, नीचे एम आ गया और इधर वाई आ गया, आया ना। तो यस सर, ये मेरी फर्स्ट यस इक्वेशन सर, बन गई। सेकंड इक्वेशन मैं बनाना चाहूंगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेके, काइनेटिक एनर्जी सिंस गेन करेगा ये पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अब, टू इंटू, बोलो, क्यू ई बाय एम इंटू वाई, ये लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर की जगह पुट कर दिया मैंने, है ना, यस सर, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन लिखा है मैंने।
तो अब तो क्या है, इजी है सॉल्व करना है। देखो 1/2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो क्या बची काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी? Q E Y। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? A ऑप्शन। क्या डाउट आ रहा है इसमें बताओ, क्या दिक्कत आ गई थी इसमें ऐसी? बताओ भाई क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें, क्यों नहीं सॉल्व हुआ ये? अभी समझ में आया? ठीक है, इजी था। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो यार, ऐसे इजी क्वेश्चंस को वो नहीं करना है, ऐसे इजी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई ना। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है ना, फिगर में दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू दिख रहा है सबको, 3 सेंटीमीटर दूर है वो अपने सेंटर से, दोनों दोनों चार्जेस डायपोल के, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे रखा है 10^2 वोल्ट एट पॉइंट पी। पी पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है डायपोल की वजह से, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपको बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी तो जरूरत ही नहीं आपको, है ना, के लिख सकते हो आप इसको, ये बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो आपको पूछ रहे हैं भाई ये कि बता दो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे, कितना आ जाएगा ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। 10^2 वोल्ट के टर्म्स में लिखना है आपको, यानी कि अगर आपका आंसर आता है एक्स इंटू 10^2 वोल्ट, तो आप क्या लिख दोगे आंसर आपका, एक्स, एक्स आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, फिर से एक्सप्लेन करूं। अगर आपका आंसर आता है एक्स मल्टीप्लाई बाय 10^2 वोल्ट, तो आप इस 10^2 वोल्ट के फैक्टर में आपको आंसर लिखना है, यानी कि एक्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालना है पी पे डाइपोल की वजह से, निकाल सकते हो? यस सर। करो, ट्राई करो, निकालो। माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा, दोनों को फिर क्या कर दोगे तुम, नेट निकाल लोगे दोनों की वजह से, है ना। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, और दोनों का नेट निकाल लो। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए समझ में अभी तक तो। इंडिविजुअली पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसमें, है ना। डाइपोल का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। आ गया आंसर, आ गया। जानवी और धर्मेंद्र का आ गया है सी, कैसे निकाला बताओ, जानवी कैसे निकाला है? सर पहले V1 फाइंड किया और माइनस क्यू की वजह से, तो वो आया माइनस के क्यू आर, और आर की जगह पे 8 होगा, और V2 ऐसे निकाला प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई 2, और वी नेट निकाल दिया V1 प्लस V2 करके, तो ये ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, डाइपोल फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाए इसमें हम, समझ में आया आपको जानवी या नहीं आया? तो डाइपोल फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा पा रहे हम क्योंकि इसमें क्या है कि जो डाइपोल है हमारा वो पॉइंट पी के बहुत करीब है ना, नियरली इक्वली है ऑलमोस्ट, है ना। प्लस क्यू चार्ज तो 2 सेंटीमीटर दूर पे ये मात्र, तो इस केस में हम डाइपोल फॉर्मूला नहीं लगाते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत नियरली इक्वल होता है डाइपोल। ओके, तो हम क्या करते हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा यार कि तुम इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, कल की क्लास में भी मैंने तुम्हें यही समझाया था कि जब आप किसी चीज को बेसिक तरीके से कर सकते हो तो आपको उस तरह से ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है लिमिटेशंस होती हैं कई सारे फॉर्मूलाज की, तो इसलिए हम बेसिक तरीके से करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, किसी और का आया आंसर जानवी और धर्मेंद्र के अलावा? सर आधा आ गया, एंड पे जाके नहीं निकल रहा।
क्या बात कर रहे हो यार, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लिए। कितना आया सर? वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आया माइनस के क्यू बाय एट। सही आया? हाँ, उसमें टेन टेन स्क्वायर भी आएगा साथ में, यस सर, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि आपने, यस सर। तो वो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन अगर आप पढ़ाए, क्वेश्चन पढ़ा करो पूरा, ठीक है। 10^2 वोल्ट आपके क्वेश्चन में आंसर में आना चाहिए साथ में, ठीक है। 10^2 वोल्ट अगर नहीं आएगा तो फिर आपको फिर उसको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे आंसर आपका चेंज हो जाएगा, फिर घबरा जाओगे तुम सोचोगे कि ये तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, राइट। करें, डिस्कस करें यार। आई थिंक इससे ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए। देखो रैपिड फायर राउंड चल रहा है आज, ठीक है। रैपिड फायर राउंड मतलब कि क्वेश्चन आपको एक एक मिनट में करने, दो दो मिनट में ज्यादा से ज्यादा, है ना। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा। चलो देखो, इधर देखो यार, डिस्कस करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या करना है भाई, हमको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किस पे, एट पॉइंट पी, एट पी पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं। तो प्लस क्यू का दिख रहा है आपको डिस्टेंस कितना है, पी डिस पी से 2 सेंटीमीटर। प्लस क्यू आपका यहाँ पे दिखाई कर रहा है, पी आपका यहाँ पे है, ये 3 सेंटीमीटर है, टोटल 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा ये, है ना। यानी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है ना, टोटल 5 है। तो आप क्या, आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा भाई, वी क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, यही होता है पोटेंशियल। यस सर, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से यही तो होगा पोटेंशियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू प्लस क्यू, है ना, अपॉन 2 × 10^-2, है ना, मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया हमने इसको। ये कितना आ जाएगा, के क्यू 10^2 ऊपर चला गया और नीचे आ गया 2, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू पी आ गया, यानी क्यू चार्ज की वजह से आ गया, सॉरी, ठीक है। सेकेंड हम निकाल लेते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। इसका आ जाएगा के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, कितना आ जाएगा भाई ये, माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। हाँ, स्केलर क्वांटिटी को आप हमेशा चार साइन के साथ में लिखोगे, के क्यू अपॉन 8 × 10^-2। 8 कैसे आया भाई, टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ओ तक डिस्टेंस हो गया पी पॉइंट का, है ना, और 3 सेंटीमीटर माइनस क्यू तक के लिए जाने के लिए और हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, यस सर, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, दोनों मिला कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा भाई, माइनस के इंटू क्यू इंटू 10^2 अपॉन 8, ये आ गया हमारा दूसरा। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, यस सर, है ना। नेट पोटेंशियल निकाल देते हैं यार जल्दी से, कितना हो जाएगा भाई, वी नेट ये हो जाएगा आपका के क्यू, 10^2 कॉमन ले लिया मैंने, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/8, है ना। प्लस को माइनस से मैंने सिंपली ऐड किया, मतलब है ना, फर्स्ट को सेकंड से ऐड किया, 1 + 2 किया है मैंने और कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दिया, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा ये, वी नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, है ना, 3/8 क्यू इंटू के इंटू 10^2। तो ये 3/8 क्यू के आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10^2 की टर्म्स में आपको देना था, तो सी ऑप्शन आंसर है। हाँ भाई, किस किस का सॉल्व नहीं हुआ है बताओ, किसको समझ में नहीं आया है, फिर से समझाना है या समझ में आ गया है सबको, आ गया सर, आ गया। तो यार सॉल्व करो यार, ऐसे मत करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ऐसे आंसर आना चाहिए तुम लोगों के। तमन आंसर क्यों नहीं आया, सो वही 10^2 की गलती, काजल का भी नहीं आया, शिखा का भी नहीं आया। तुम सब पढ़ने वाले बच्चे हो यार, तुम लोग रिजल्ट लाके दोगे, अच्छे 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 बच्चे हो आप सब लोग, है ना। रिजल्ट आएगा आपकी वजह से कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, हमें भी खुशी होगी कि एग्जाम क्रैक किया आपने। और कब 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 कर पाओगे, जब ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे हमसे इजीली, तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रैक्टिस करो,
अगला क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर कर दो फिर। यस सर। तो एक और डायपोल पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, जो कि है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक टॉर्क लगेगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल से किसी एंगल पे है तो टॉर्क लगाएगी, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है, तो टॉर्क लगाएगी, तो टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 4 Nm। आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, डायपोल की लेंथ भी दे रखी है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद है सबको या बताना पड़ेगा? सर याद है। सर याद है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप निकाल सकते हो, नहीं याद है तो पूछ लो यार, मैं बता देता हूँ अब, और तो क्या करो, तुम नालायक हरकत करोगे तो फिर बताना तो पड़ेगा ही। याद है तो कर दो जल्दी, सॉल्व, 1 मिनट दिया जा रहा है आपको इसका। में आया ये नीट में, मतलब अभी रिसेंट लास्ट ईयर ही आया। देख लो अब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर सकते हो, मजा आ जाएगा फिर, है ना, सारे क्वेश्चन लास्ट निकल गए, फोड़ देंगे हम पेपर को, यही तो चाहिए हमको, अच्छे मार्क्स लेके आने। काजल ने लीव कर दिया, क्या बात हो गई यार, क्लास लीव नहीं करनी है। आज क्लास भी है ना इवनिंग में तुम्हारी शायद? यस सर। ठीक है, क्लास छोड़ना नहीं है। आया किसी का? यस सर। कितना आया सर? ऑप्शन बी। कूल, एक ही बच्चे का आया, तमन का आया बस, बाकी विद्यार्थियों का नहीं आ रहा क्या आंसर? डिस्कस करें यार, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो डिस्कस लिख दिया करो चैट में, है ना, और अगर हो रहा है तो बढ़िया बात है, कर लो ट्राई। नहीं अभी कुछ नहीं बताया काजल, अभी कुछ नहीं बताया, आपको टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। तमन का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी निकालें जल्दी से आंसर। ओके जानवी, वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन, क्या बात हो गई है? तनिषा क्लास में हो बेटा? तनिषा आप, तनिषा क्लास में हो क्या आप? यस सर नो सर तो बोलो यार, लगता है ऑन नहीं है सर। तनिषा बोल रही है यस सर, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, आप यहीं से समझ लो मैं क्लास में हूं। देखो तुम अनम्यूट नहीं कर पाते हो ना तो तुम क्या अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाओगे मेरे साथ कि सर ये क्वेश्चन में ही समझ में नहीं आया, है ना, जरूरी है, मैं हेल्प कर पाऊंगा आप लोगों की अगर आप बता पाओगे तो, समझ रहे हो आप, बहुत जरूरी है कि आप बात करो टीचर से, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मेरे से एक दो क्लास भी पढ़े हो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर से बात करी जा सकती है,
ठीक है काजल, करते हैं सॉल्व करते हैं, रुको। चलो आ जाओ यार, सॉल्व करते हैं इसको। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो पहले तो गिवन लिखना चालू करो यार तुम लाइफ में। जीवन में आ गए हो तो गिवन लिखना चालू करो, है ना। लाइफ में पहले ये लिखो कि तुमको दिया क्या हुआ है, ठीक है। जैसे डाइपोल, तुम्हें डाइपोल का एंगल दिया हुआ है, कोई डाइपोल है, लेट्स से कि एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज वाला डाइपोल है ना, वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, और जो एंगल है ये एंगल थीटा, वो तुमको दिया हुआ है। तो थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है आपको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? 2 × 10⁵ N/C, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू है 4 Nm, है ना। और डाइपोल की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है डाइपोल की लेंथ? 2 cm, है ना, 2 cm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा पहले तुम्हें जल्दी से, है ना। yes. क्यों करूंगा? क्योंकि देखो यहाँ पे टॉर्क किस में दिया हुआ है? न्यूटन मीटर में, है ना। yes, sir. तो इसलिए मुझे हिंट मिल गया कि मुझे इसको क्या 0.02 लिख देते हैं डायरेक्ट मीटर। अब जब मुझे सब पता चल गया है तो फाइनली मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि टॉर्क जो है उसको कैसे निकालते हैं। पीई साइन थीटा, साइन थीटा, है ना, पीई साइन थीटा से निकालते हैं। अरे कहाँ चला गया, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना अभी? यस सर। नो सर, नो सर, नहीं दिख रही। दिखेगी दिखेगी। अभी दिख रही है? Yes, sir. है ना? तो इसमें निकालना ही आपको जो है वो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल जो होता है, पी डाइपोल मोमेंट जो होता है, क्या आप लोगों को पता है कि वो पी इक्वल्स टू होता है क्यू एल? यस सर। क्या ये पता है आप लोगों को? इसलिए बोलते हैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए। यस सर। आपको पता था तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, q मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय e sin थीटा। तो इसका अब मैं वैल्यूज लिखना चालू कर दूंगा, q तो मुझे निकालना ही है, तो q, अच्छा ये इक्वल है टॉर्क के, तो टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 4 Nm, ठीक है। तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा? 4 / है ना, क्या हो जाएगा लेंथ 0.02 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 2 × 10⁵, है ना, मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी? साइन 1/2 होता है, बहुत बढ़िया। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता होने चाहिए, इसमें भी दिक्कत आती है वरना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया? 2 आ गया, 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁵, ऊपर चला गया आपका 10⁻². तो ये 2 से 5 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, 4 से 8 कट जाएगा, 2 times, है ना। तो ये कितना आ गया भाई? 2 mC, 2 mC, 2 mC, 2 mC mC आया ये, 10⁻³ आया ना साथ में, 2 mC, yes, sir. है ना, 10⁻³ मिली होता है, मिली, yes, sir. है ना, यूनिट है ये, किसी लड़की का नाम नहीं है, मिली, मिली कुलम, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए आपको यूनिट्स भी, अगर आपको यूनिट्स पता नहीं होंगी, है ना, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर गलत करके आ जाओगे। सबसे पहले यूनिट्स रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है ना उसको रिवाइज करते रहा करो, वो एक तरह से तुम्हारा टेबल है। जैसे 2 से 20 की टेबल तुम याद करते रहते ना बचपन में, एक बार में तो होती नहीं थी, बार बार करते थे, वैसे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स जो होते हैं उनको एक बार रिवाइज करते रहा करो। वैसे तो इतना कोई काम नहीं आएगा आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ही आएगा, पर ये जो टूल्स हैं इनको आप रिवाइज करते रहोगे। अगर वेक्टर हो गया, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये चीजें रिवाइज करते रहो। चलो भाई, 2 mC आंसर आ गया है, तो जल्दी से मार्क करते हैं बी ऑप्शन और आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है यार, ये तो तुम जल्दी से कर दोगे, पूरा विश्वास है जल्दी से कर दोगे। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा इसके लिए मैं, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आगे।
फ्लक्स E डॉट ds इक्वल्स टू अगर जीरो है किसी सरफेस पे, उसको मतलब क्या होगा ये बताना आप। कॉन्सेप्ट रिविजन है बेसिकली, बताया भी था मैंने इसका क्या मतलब होता है। शिखा का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिखा। बाकी बच्चे बताओ भाई, धर्मेंद्र, तमनप्रीत, काजल, प्रखर, जानवी, दीपा, क्या हो गया आंसर करो। ठीक है, अब तो कॉपी पेस्ट करो तुम ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ भाई, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फ्लक्स ई डॉट डी एस अगर जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि जितनी कोई कंडक्टर है इसमें जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी क्या कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना इनफ्लक्स होगा उतना आउटफ्लक्स होगा, यानी जितना एंटर करेंगी, एंटर इक्वल्स टू एग्जिट ना, क्योंकि नेट आपका जीरो होना चाहिए है ना, ई डॉट डी एस आपका नेट जीरो होना चाहिए, उसका मतलब यही होता है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ठीक है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड जीरो सर्फेस, ये तो गलत बात है ना। हमारा जो नेट फ्लक्स है वो जीरो है, यानी ई डॉट डी एस आपका जीरो है, तो इनसाइड द सर्फेस तो ऑब्वियसली लेते ही हैं हम, है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सर्फेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, ऐसा भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम कमेंट ही नहीं कर सकते इनफैक्ट इसकी वजह से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज कॉन्स्टेंट, अब अगेन अगर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट ही नहीं कर सकते तो कॉन्स्टेंट होगी नहीं होगी हमें क्या पता, है ना। लेकिन हाँ, सी ऑप्शन हमें पता है कि जब ऐसा होता है कि ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस यानी कि फ्लक्स आपका जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो, तो आपका क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एंटर इक्वल्स टू एग्जिट हो जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब फ्लक्स के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि भाई आपने क्या किया, चार्ज क्यू को इंक्लूस कर दिया गॉसियन सरफेस में, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, रेडियस आर दिया हुआ। अब रेडियस अगर आपने डबल कर दिया यानी स्फेयर बढ़ा दिया, तो आपके आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्स पे क्या चेंजेस आएंगे, चार गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी बच्चे भी आंसर करो, चैट में आंसर करने में तो नहीं लगनी चाहिए मेहनत इतनी, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर इसमें हम कहीं भी दूर दूर तक हमें आर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या आर किसी को? नो सर। रेडियस अगर डबल हो जाएगी तो उससे फ्लक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अगर नहीं आता था तो फिर ठंडन गोपाल। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और फ्लक्स पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चार्ज क्यू लोकेटेड है सेंटर ऑफ क्यूब पे, है ना, सेंटर क्यूब के बीच में लोकेटेड है, तो ये किसी फेस पे कितना फ्लक्स आएगा आपको ये बता, किसी एक फेस पे कितना फ्लक्स आएगा उस चार्ज की वजह से आपको ये बताना, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि किसी एक फेस से पास हो जाएगा। सारे नीट में आए हुए क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम से बिल्कुल क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। अरे सॉल्व नहीं हो गया अभी तक सर, ऑप्शन लिख रहे हैं चैट बॉक्स में सर, ऑप्शन। अच्छा, चैट में लिख रहे हो क्या? यस सर। ओके,
कितना यार भाई, डी बोल रहे हैं सब लोग। ठीक है, पांच छह बच्चे आंसर करते हैं, वही करते रहते हैं, बाकी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आंसर करते हैं। बेटा बात करो, या तो आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है। 02 तनिषा, काजल बिष्ट, गोपाल, दीपिका, क्या इशू आ रहा है बच्चा? आप बात करोगे तभी तो समझ में आएगा ना। दीपा, अर्जुन, अक्षय, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर, यस सर। दीपा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दीपा नहीं, अरे क्या, बहुत बहुत कम फ्रीक्वेंसी में बात करो बेटा आप, मैं सुन नहीं पाऊंगा इतनी कम फ्रीक्वेंसी में, है ना। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा लो अपनी। क्वेश्चन समझाऊं? ओके, आपका नाम क्या है बच्चा? आपका नाम क्या, एक बार बताओगे? चैट में बता दो यार, शर्म आ रही है अगर तो, मतलब अनम्यूट करके अगर नहीं बोलना। ठीक है महेश, तो महेश हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले आप, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो एक क्यूब है यार, हमने क्यूब भी बना लिया हमने, मेरे को तो ऐसे आता है बनाना, तुमको कोई नया तरीका पता है तो बताओ मुझे, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो एक क्यूब बना लिया मैंने, अब ये बोल रहा है कि एक सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो चारों तरफ होगा, yes, है ना। तो ये बोल रहा है कि वजह से जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं किसी एक सरफेस, एक फेस से, है ना, इस वाले फेस से निकल रही है मान लो। तो इस वाले फेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन्फ्लुएंस देखोगे, ठीक है, तो वो कितना होगा? तो हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स जो होता है किसी चार्ज क्यू की वजह से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ या ना? यस सर, तो अगर मुझे किसी एक फेस पे निकालना है फ्लक्स, है ना, किसी फेस पे निकालना है, तो क्या मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 ले लूंगा? yes, sir. Yes, sir. महेश समझ में आ रहा है बच्चा? महेश, yes, sir. है ना, टोटल अगर एक्स है तो किसी, टोटल अगर एक्स है और छह आपके पास बेसिकली ऑप्शंस हैं, तो किसी एक ऑप्शन को आप कितना दोगे? डिवाइड बाय 6 दोगे, है ना। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 कर दिया मैंने, तो ये मेरा आ गया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें इस आंसर को मैच कराना है मुझे ऑप्शन से, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। अब यहाँ पे सब जगह मेरे को दिख रहा है इन लोगों ने क्या कर दिया, 4π को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि 6 देखा मैंने सबसे पहले, ऊपर की तरफ केवल मेरे को क्यू चाहिए था, यहाँ पे मुझे क्यू नहीं मिला, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे मुझे क्यू मिल गया, तो ये हो सकता है यहाँ पे भी क्यू मिल गया। अब मुझे नीचे केवल 6 चाहिए, तो यहाँ नीचे 6 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, है ना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 4π और पाई से मल्टीप्लाई किया गया, यानी मुझे ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह 4π से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 4π से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आया आपको? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। केवल सॉल्व करना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको ऑप्शन से भी टैली कराना पड़ेगा ना, ऑप्शन भी मैच कराने पड़ेंगे, इतना तो आपको दिख गया होगा कैसे कराने। चलो अगला क्वेश्चन कर दो यार, समझ में आ गया तो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें आपको, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है ना, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। तो दो बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटीज हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, दो इनफाइनाइट पैरेलल हैं, और पैरेलल दो लाइन चार्जेस हैं, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा वाले, जिनको 2r के डिस्टेंस पे रख दिया एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको बीच वाले पॉइंट पे, दोनों लाइन चार्जेस की वजह से बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, निकाल दो।
आया किसी का आंसर? यस सर। जानवी, तमन, धर्मेंद्र, सबका डी आ रहा है। ठीक है, कैसे निकाला है धर्मेंद्र, कैसे निकाला है बेटा, बताना चाहोगे क्या आप धर्मेंद्र? यस सर। कैसा आया? नहीं पता सर, समझाना नहीं आता है। समझाना नहीं आता, पर फॉर्मूला तो बता सकते हो, एक इनफिनिट लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये फॉर्मूला तो बता सकते हो यस सर। कितना होता है? सर हाँ पहले हमने ई इक्वल ई वन प्लस ई टू लिया, फिर हमने लैम्डा फॉर्मूला हमने डाला, लैम्डा लैम्डा बाय टू पाई ई नॉट आर प्लस लैम्डा बाय टू पाई ई नॉट आर, फिर हमने इक्वल लैम्डा बाय पाई ई नॉट आर एन बाय सी, फिर हमारा आंसर आ गया। लैम्डा बाय टू पाई आर प्लस ए, पता नहीं क्या बोल रहे यार तुम, क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ करी। फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं बस, एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है अगर, तो उसकी वजह से अगर जो लैम्डा डेंसिटी है उसकी, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। ठीक है धर्मेंद्र, आपको बस फॉर्मूला बताना है कि एक अगर इन्फिनिट लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है, क्या बता सकते हो आप? नहीं बता? हाँ शिखा बताओ। सर लैम्डा अपॉन में 2 पाई ई नॉट आर आई कैप और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या जानवी सेम है ये? यस सर। अभी तमन सेम है? यस सर। ठीक है, तो आई कैप या जे कैप या के कैप तो हम अपने आप लेते हैं बच्चा, है ना, सिचुएशन के हिसाब से हम लेते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूला यही है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझो, एक लाइन चार्ज दिया हुआ है ना, उसके पैरेलल एक और लाइन चार्ज है, तो एक जो लाइन चार्ज है उसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं, इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है और इस पे माइनस लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है क्या होती है सबको? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपको लैम्डा बता देता है। ऐसा हम यूज करते हैं जब हम, हमारे पास एक सिंगल चार्ज नहीं होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो अब हर जगह पे थोड़ी ना एक एक हर एक चार्ज की वजह से निकालने बैठेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो हम ऐसे में क्या यूज कर लेते हैं, डेंसिटीज यूज कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी किसी अगर एरिया पे फैला हुआ है तो फिर क्या ले लेंगे उसको हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले। कोई थ्री डी शेप है पूरे वॉल्यूम पे चार्ज फैला हुआ है तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, है ना, रो ले लेते हैं। तो भाई इस लैम्डा की वजह से इस पॉइंट ओ पे, यहाँ पे पॉइंट ओ है, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2r। तो फिर यहाँ पे ओ तक की डिस्टेंस r हो जाएगी क्या? और ये बाकी yes, yes, तो इस ओ की वजह से, इस ओ की वजह से मतलब ओ पे सॉरी लैम्डा की वजह से, प्लस लैम्डा की वजह से ओ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई वन, yes, है ना, और इस माइनस लैम्डा की वजह से भी तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। अरे नेगेटिव है ना वो, यस प्लस से चालू होके नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है ना यार इलेक्ट्रिक फील्ड, बात हो गई है, तो इसकी वजह से भी ई टू इधर ही आ जाएगी, है ना। तो हमको जब ई नेट निकालना होगा जो कि क्वेश्चन पूछ भी रहा है निकालने के लिए, तो क्या मैं इसको चुपचाप बिना किसी से पूछे ई वन प्लस ई टू लिख सकता हूँ? Yes, sir. ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए ऐड हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। अगर अलग अलग डायरेक्शन में होते तो फिर हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करते, ठीक है। तो भाई कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डिस्टेंस पे है लैम्डा से, कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट ओ, आर डिस्टेंस पे है ना, और आर डिस्टेंस पे ही माइनस लैम्डा से भी है, तो दोनों की केस में क्या ले लूंगा मैं, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर ले लूंगा, है ना, रेडियस की जगह में आर ले लूंगा, डिस्टेंस की जगह में आर ले लूंगा, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा यार, लैम्डा अपॉन टू तो हट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
डी ऑप्शन ठीक है, क्या आंसर है तो तुम्हारा डी ऑप्शन आंसर। हाँ भाई किसी को डाउट है इसमें? नो सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है चलो अगला करो फिर, डाउट नहीं है तो। ये हो गया कि हाँ ठीक है ये करो। पोटेंशियल पे आ गए अब हम, पोटेंशियल की बातें करेंगे अब हम। ठीक है तो क्वेश्चन पूरा जो है ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि चार्ज की बातें हो रही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, एक बुलेट है जिसका 2 ग्राम मास है, इसका चार्ज, बुलेट पे चार्ज है कितना है, 2 माइक्रोकूलम। उसको आपको पूछा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहेगा एक्सेलरेट करने के लिए रेस्ट से 10 मीटर पर सेकंड तक उसको एक्सेलरेट करना है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी को आपको, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो पहले पोटेंशियल निकालो, उसको कन्वर्ट कर दो काइनेटिक में। समझ में आया सबको? यस सर। निकालो अच्छा, टेस्ट का टाइमिंग पता चला गया संडे वाले का, सैटरडे वाले और संडे वाले का? नो सर। लास्ट टाइम क्या टाइमिंग था? 9:00 से लेकर रात तक था। वो से लेकर रात तक था? यस सर। अच्छा वो कितनी ड्यूरेशन होती है? ड्यूरेशन तो फिक्स होती है ना, 3 घंटे का टेस्ट होता है तुम्हारा। यस सर। पर तुम स्लॉट्स में देते हो क्या, मतलब तुम्हें ऑप्शन दिए जाते हैं कि 9 बजे से लेकर आप रात तक दे सकते हो? नो सर, 9 to 11 क्या रात को 11 बजे तक दे सकते हैं सर? अच्छा क्या बात। यस सर। चलो ठीक है, एक बार हम आज जो इस संडे को टेस्ट होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पता चला होगा आपको, टॉपिक चला पता संडे को करंट का? यस सर। यस सर। उसका एक, उसकी एक रिवीजन क्लास रख लेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है तो उसे एक रिवाइज करो। जो हमारी मेन क्लास है उसमें हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है मैग्नेटिज्म को हम टेस्ट के बाद ले लेंगे अगला जो क्लास होगा। आज की क्लास में, आज की क्लास में करना है रिवीजन या फिर अगली क्लास में करें? सर आज की क्लास में करा। चलो देखते हैं एक बार। सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया धर्मेंद्र, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन समझाता हूँ यार, सुनो ध्यान से। एक पार्टिकल है, बुलेट है बेसिकली, उसका कुछ चार्ज है तो उस बुलेट को भूल जाओ। एक क्यू पार्टिकल है ना, क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है, क्यू चार्ज कितना, 2 माइक्रोकूलम। उसका तुम्हें मास दिया हुआ है 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि पहले तो उसको तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब बोल क्या रहे हो कि अगर 2 ग्राम का कोई बुलेट जिसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम हो, उसको अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए उस पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है, चार्ज भागता है ना, चार्ज मोशन में आ जाता है। यस सर। चार्ज मोशन में आएगा तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो। तो तुमको बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी को जब तुम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, तो इस केस में इसको करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तुमको। तो तुम्हें पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी पार्टिकल की, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है तब जाके तुम्हारा आंसर निकलेगा। अभी आई समझ में बात? यस सर। अब जिसको चाहिए कि डिस्कस करें वो डिस्कस लिख दो, जिसको आंसर आ गया है वो आंसर बता दो। ओके शिखा देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है डिस्कस करें क्या, या वेट करना है और?
ठीक है दीपिका, रानी नेम है। अच्छा तो बेटा बताओ ना आप, ये कब बताने वाले थे ये बात मुझे आप? ठीक है रानी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बहुत ज्यादा टाइम लगा रानी को बताने में कि मेरा नाम रानी है। इतने पूरे 3-4 दिनों से, उसके पहले से भी धर्मेंद्र बुलाया जा रहा है उसको। थोड़ा जल्दी बता देते बच्चा। चलो कोई ना, आपसे ध्यान रखूंगा मैं आपका नाम। हाँ निकाल लिया, पता नहीं ठीक है कि नहीं, सर डिस्कस करते हैं। अरे तो आंसर तो बताओ कितना निकला है। ए ऑप्शन निकला है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसे बताने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आंसर सही हो गलत हो उससे क्या होगा, बिजनेस में नुकसान थोड़ी हो जाएगा तमन, है यस सर। ना? आंसर तो बता ही सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं यार, टाइम तो इनफ है, इससे ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए इसके लिए, है ना? हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है, बुलेट दी हुई है बेसिकली, बुलेट। क्या लिखा है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा जो लिखा है मुझे। फिर से लिखते हैं, एक बुलेट दी हुई है, ठीक है, इस बुलेट का मास है 2 ग्राम्स। इसको पहले कन्वर्ट कर लूंगा मैं 2 × 10⁻³ किलोग्राम, राइट। इस पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, निकालना क्या है इसमें पहले बताओ, तुम्हें समझ में आया? अरे सो गए क्या सब लोग? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तो इसमें मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। तो मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इस पे मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, इस चार्ज पार्टिकल पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ सपोज करो, तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगा मतलब इसकी कुछ मोशन आ जाएगा, इसकी कुछ बस इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी। तो मेरे को वो पॉइंट चाहिए जब पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू हो और उसके बीच में पोटेंशियल अप्लाई किया गया हो वी। पढ़ के आए हो नहीं आए हो? यस सर। नहीं आए ना? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी Q मल्टीप्लाई बाय V, ठीक है। इसको आपको इक्वेट करना था ½mv² के, इसमें V तो वेलोसिटी है, ये दोनों V को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो QV होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना V। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कब तक हो रही है, जबकि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाती, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड पे आके पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल को, तो हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि जितनी पोटेंशियल थी उतनी काइनेटिक होनी चाहिए, हमें उतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाए ½mv², जिसमें वेलोसिटी कितनी हो 10 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं यार, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, पता है क्या? अरे वेलोसिटी पता है क्या, स्पीड पता है क्या, बोलो ना कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, कितना आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय क्यू, कितना है? 2 माइक्रो 2 × 10⁻⁶। अब मैंने इसमें कैलकुलेशन में गलती कर दी है, कोई स्पॉट कर सकता है क्या क्या गलती करी है? स्क्वायर जोर से बोलो जानवी, हाँ वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं लिखा है और तुम लोगों ने बताया भी नहीं, नालायकों चुपचाप छापने लग जाते होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 10² आएगा भाई क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, ½mv² होता है ना, ठीक है। अब तो सॉल्व कर दोगे तुम जल्दी जल्दी, एकदम रुकोगे थोड़ी अब तुम लाइफ में,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा यार, ये 10 के दोबारा माइनस 6 ऊपर चला गया, 10 के दोबारा 3 बचा, 100 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये कितना हो गया 50, 50 आ गया वोल्ट, लेकिन 50 इंटू 10 टू द पावर 3 था, तो ये कितना आ गया 50 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है भाई, आइए समझ में आया तो कोई डाउट है इसमें? नो सर, समझ में आ गई सबको? यस यस। तो उसको ऐसे ही करना है यार, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताया जा रहा है और उसकी वजह से कोई स्पीड गेन हो रही है तो दिमाग में सबसे पहले एनर्जीज आनी चाहिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना, और भी बहुत सारी एनर्जीज पड़ी हैं, पर यहाँ पे हमारे ऑब्वियसली अगर स्पीड की बात आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी की बात होनी ही होनी है, या तो मोमेंटम की बात होगी या काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा उसमें, क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी उसका, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं देने को तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में, आ रही बात समझ में? अब तुम खाना नहीं खाया तुमने 2 दिन से और तुमको बोला है भागो, तो कैसे भागोगे, मुश्किल आएगी भागने में, है ना, और खाना खा लिया है तुमने, गेन कर लिए, तो तुम अब भाग सकते हो, उस खाने को, उस कैलोरीज को कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, कैलोरी को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ सर, मैंने ऐसे किया कि जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब वो हमने पढ़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम भी दिया था, वी भी दिया था, वहां से निकाल के फिर वो वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो पुट कर दी, अपॉन चार्ज कर दिया, आंसर ठीक आया था, बट मैंने ना वी का स्क्वायर नहीं किया था इसलिए वो 5 किलोवोल्ट आ रहा था। हाँ तो सही है एकदम तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, वी का स्केयर करना मत भूलना अगली बार। yes, वी का स्केयर yes. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है पहली बात तो, है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो अपनी, काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तो इनिशियल स्पीड अगर 0 थी यहाँ पे तो, है ना, बिल्कुल 0 से रेस्ट लिखा हो ना, फ्रॉम रेस्ट, तो तुमने यहाँ से रेस्ट से उसको एक्सेलरेट किया, रेस्ट से तुमने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ाना चालू किया, अगर रेस्ट नहीं होता और फिर चुपचाप फाइनल वेलोसिटी को यूज करके अगर हाफ एमवी स्क्वायर लगा देते सब बंटा डार कर देते तो सर वो इसलिए तो उसके इक्वल कर दिया क्योंकि वो इनिशियल तो 0 थी ना। हां ठीक है, अगर वेस्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखना पड़ेगा वर्क डन, फिर तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर, कर दो जल्दी सॉल्व कर दो यार, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम, टाइम लगना नहीं चाहिए। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कनेक्टेड बाय वायर, कनेक्ट कर दिया तुमने उसको एक वायर से, कंडक्टर्स को, कंडक्टिंग वायर से, यानी कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है उस वायर के थ्रू, तो तुमको क्या बताना है, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फेयर्स सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दोनों स्फेयर्स के बीच में जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का, वो बताना। इजी पीजी है तो yes, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। हाँ, क्लास को लीव ना करें, वेरी गुड जानवी, रानी, तमन, काजल, आप लोगों में से हिमाचल से कौन कौन है? शिखा, हिमाचल से है कोई आप लोगों में से? उत्तराखंड, काजल है, ठीक है, एक ही बच्चा है बस, ठीक है, बाकी दिल्ली से कौन कौन है? अक्षय भी उत्तराखंड से, ठीक है, दिल्ली से कौन कौन है? दिल्ली से, ठीक है, तो सब सब जगह के बच्चे हैं मतलब हमारे पास, चलो बढ़िया। हाँ भाई, आ रहा आंसर? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही समझदार बच्चे हैं मेरे, नाम रोशन करेंगे बड़े होके, एग्जाम निकाल के दिखाएंगे इस बार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आना पहले इस वाले, है ना?
यस सर। बार बुरे मार्क्स नहीं आने चाहिए यार, बुरा लगता है। हमें बोला जाता है कि आपके बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर हम बोलते पढ़ाई कर रहे हैं और टेस्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो कैसे चलेगा है? करें, डिस्कस करें। यस सर। ठीक है चलो डिस्कस करते हैं। तो दो स्फेयर्स ले लिए हमने, है ना, दोनों स्फेयर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, कंडक्टिंग वायर से, है ना। आर वन आर टू क्या है उनका रेडियस है, आर वन और आर टू रेडियस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है कंडक्टर्स को, तो इसके थ्रू इसमें और इसके थ्रू इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक होगा चार्ज ट्रांसफर? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं होगा। बात हमने करी हुई है पहले भी, यस सर। कैपेसिटर्स में भी करी थी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करी थी, सब में करी थी, तो करंट में भी करी थी, मैग्नेटिज्म में भी करी थी, है ना। तो पोटेंशियल सेम होने तक, अनटिल पोटेंशियल सेम हो जाए, चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे। तो भाई हो गया भाई चार्ज ट्रांसफर, पोटेंशियल सेम कर दो दोनों का, यानी कि वी वन इक्वल्स टू वी टू, वी टू कितना हो जाएगा ये के इंटू क्यू वन, वन बाय आर इक्वल्स टू के इंटू क्यू टू बाय आर टू। ठीक है, तो कितना आ गया ये क्यू वन अपॉन आर वन इक्वल्स टू क्यू टू अपॉन आर टू, सही है? Yes, sir. है ना। तो इससे हमारा क्या आ गया भाई, क्यू वन अपॉन क्यू टू लिख लो, अलग से लिख लो, आर वन अपॉन, सही है? Yes. सही है? Yes, sir. Yes, sir. सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकाल दो, क्या होता है ये Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, यही होगा? Yes, ये हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना। 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, ये आ गया आपका बेसिकली Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई में क्या है R2 स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ना ये R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे, कितनी वैल्यू थी इसकी, R1 अपॉन R2, ये कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2, यस मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक एक बार, यस सर। क्या बच गया आंसर, R2 बाय R1, कितना आंसर आया, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर आया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन करो। एक स्क्वायर है एबीसीडी ले लो, कोई भी स्क्वायर ले लो, उसपे चार पॉइंट चार्जेस लग दो, हर पॉइंट चार्जेस की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी भाई, है ना, कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है कि भाई क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में रिलेशन बताना है सेंटर पे, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो, ऐसे चार्जेस का रिलेशन बताओ, यानी क्यू और स्मॉल क्यू को ऐसा रखो कि आपका क्या हो जाए, स्मॉल क्यू को ऐसे रखो कि क्या हो जाए आपका सेंटर पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो चारों चार्जेस को चारों जगह पे कॉर्नर्स पे रख दो स्क्वायर के और नेट पोटेंशियल जीरो कर दो चारों की, बस आंसर आ जाएगा। करो जल्दी, समझ में आया क्या करना है?
ठीक है बच्चों का आंसर तो आ रहा है, करते हैं डिस्कस करते हैं इसको भी, डिस्कस करें या टाइम चाहिए और बोलो यार कर लो सर कर लें डिस्कस। चलो यस सर। एक स्क्वायर है ठीक है, स्क्वायर के चारों तरफ ए बी सी डी ले लिया तुमने, लेट से जैसा बोला गया तुम्हें करने को तुमने वैसा किया, एक पे रख दिया माइनस क्यू चार्ज, एक पे रख दिया स्मॉल माइनस क्यू चार्ज, इस पे रख दिया हमने सी वाले पे रख दिया लेट से के 2q रख दिया स्मॉल 2q, और इस पे रख दिया प्लस 2q यानी कैपिटल। अब इन चारों की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा सेंटर पॉइंट, यस सर, है ना। तो तुमको क्या बोला गया था कि आपको ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल है नेट पोटेंशियल उसको जीरो करना है। अब इसकी सबसे पहले तो लेंथ निकाल लो, सपोज करो अगर ये ए है तो हमारा ए सी इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, स्क्वायर है ना। यस सर। कितना होता है ये, ए रूट टू होता है। यस सर। यस सर। ना बोलो यार, है ना। और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा, सारे सेम रहेंगे। यस सर। आधा हो जाएगा। यस सर। ए रूट टू बाय टू कितना हो गया, ए बाय रूट टू होगा, ए बाय रूट टू होगा ना। ए कौन बोल रहा है ये सर, ओ ए सर, अगर ओ सी की वैल्यू ए ले रहे हैं तो वो साइड ही है एक। अरे ओ सी की वैल्यू ए नहीं ले रहे बिजनेस वुमन, सी डी की वैल्यू ए ले रहे हैं, साइड की वैल्यू है साइड। यस सर। कृपया क्लास में ध्यान लगाएं अमन, ठीक है चलिए आगे चलें। यस सर। तो पोटेंशियल एट ओ निकाल लेते हैं बच्चों, लाइफ में आए हैं अब तो पोटेंशियल निकाल ही लेते हैं। ड्यू टू क्या, गिवन कॉन्फ़िगरेशन है ना, गिवन कॉन्फ़िगरेशन जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है हमारी इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई वी एट ओ, कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 1/4 pi epsilon 0 को बाहर बिठा लो क्योंकि सब में कॉमन आने वाला ही है ना। Yes, sir. तो भाई क्या लिख दिया मैंने, KQ/R होता है तो सबसे पहले माइनस क्यू अपॉन क्या हो गया, ए बाई रूट टू हो गया, इतना ही तो डिस्टेंस पे है ना। यस यस सर। प्लस बस अब जल्दी लिखता जाऊंगा मैं, माइनस क्यू अपॉन ए बाई रूट टू है ना, प्लस 2q स्मॉल q अपॉन ए बाई रूट टू, प्लस प्लस 2 कैपिटल q अपॉन ए बाई रूट टू। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। है ना, ये वी नेट है, नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो जीरो हो हुआ जाएगा, इसमें क्या करोगे, देखो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस स्मॉल टू क्यू लेते हैं इसको, माइनस क्यू प्लस 2q प्लस कैपिटल 2q ये आएगा। यस सर। माइनस प्लस क्यू, इससे ये कटा प्लस क्यू, यानी कि क्यू प्लस क्यू आ गया, ये क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो आ गया, है ना। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल। कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। कोई डाउट? नो सर। पक्की बात? यस सर। नो सर। यस सर, समझ में आता है नहीं, यस सर नो सर करते रहते पूरे टाइम। तुम्हारा हो गया, वैसे लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चलो इसको। एक चार्ज है कंडक्टर पे, कुछ चार्ज दे दिया कंडक्टर पे है ना, उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम सेंटर पे होगा, या सेम रहेगा पूरे कंडक्टर पे, या फिर कहीं पे होगा ज्यादा, सरफेस और सेंटर के बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये चीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं ही बता देता हूँ तुम्हें, तो याद होगा नहीं, वैसे याद होता तो बता देते अभी तक। सर सेम रहेगा।
सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले, इसको डिराइव भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। आंसर है सी ऑप्शन। क्या आंसर है? सी ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है जब आप किसी चार्ज को देते हो अंदर की तरफ, यानी कि माइनस डीवी बाई डीएक्स हो जाता है जीरो, यानी कि ये तो होता है पोटेंशियल। ठीक है, कंडक्टर को जब आप ऐसे चार्ज दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरी जगह पे, वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा यानी सेम रहेगा थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे अंदर की तरफ क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, जब भी आप चार्ज दोगे किसी को, किसी कंडक्टर को, तो पूरे पोटेंशियल पे सेम हो जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट ही ऐसे करते हैं चार्जेस अपने आप को कि वो सेम कॉन्स्टेंट हो जाए पोटेंशियल, है ना, सेम रहे पूरे कंडक्टर पे। ठीक है, डाउट है इसमें कोई? नो सर। ठीक है, तो भाई आज क्या, ये तो क्या ही बात करें इस बारे में, तो सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के ही हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अगर करके लाओगे तो चॉकलेट दूंगा मैं, चॉकलेट खाते हो नहीं खाते तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको करके लाओगे चीटिंग करे बिना तो चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट कौन सी मिलेगी? वर्चुअल चॉकलेट, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क वर्चुअल चॉकलेट मिलेगी, यानी कि ऐसे दूंगा मैं, देखो ऐसे। ठीक है, देखो लाइक सर कैसे कंजूस आदमी हो, मतलब है चॉकलेट तक नहीं दी जा रही आपसे, वर्चुअल चॉकलेट देने की बातें कर रहे हो, कैसे तुम्हारे घर पे आके दूं चॉकलेट तुम्हें, कैसे तुम? चलो कभी मिलेंगे तो ले लेना, पर हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करके ला। सर ये इसमें ड्रॉप्स का क्या मतलब है? ड्रॉप मतलब, ड्रॉप का क्या मतलब होता है, आप कोई ड्रॉप कंसीडर कर लो, जैसे पानी की बूंद होती है ना। यस सर। वैसे ही उस पे चार्ज है बस, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप बोले, बुलेट बोले, है ना, पेन बोले, पेंसिल बोले, है ना, सोप बोले, साबुन, सर्फ, कुछ बोले, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए उससे, जब तक कि उस पे चार्ज है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स यूज करना है, खत्म बात। पोटेंशियल भी आएगा उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, सब आएगी, है ना। ओके सर। ठीक है, चलो भाई करो उसको सॉल्व, मिलते हैं बाकी अगली कक्षा में आपकी। सर सर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, पर वो जो स्टार्टिंग वाले है ना टॉपिक्स, उसके क्वेश्चन नहीं होते। कौन से टॉपिक? वो लास्ट क्लास में डिस्कस किए तो थे उसके क्वेश्चन हमने। वो तो सर थोड़े से ही थे ना, बाकी तो एमटीजी से करने की कोशिश की थी। एमटीजी से करो क्वेश्चन, करो, है ना, डाउट आ रहा है तो पूछा करो क्लास में एमटीजी से अगर करते हो तो। देखो तुमको है ना बेसिकली पहले तो नीट के प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो तरीका बता देता हूँ मैं, सबसे पहले नीट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, डाउट्स को पहले सोल्यूशन देखो, फिर सॉल्व कर ले एक बार सारे, उसके बाद सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्लास में पूछो। ठीक है, फिर जब ये पूरा प्रोसेस कर लोगे तब तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि नीट के नहीं है, जो कि दूसरे क्वेश्चन है, यानी कि डीपीपी में मिले हैं या कोई रेफरेंस बुक में है, है ना, या फिर कहीं और से तुमने अरेंज किए हैं, ये प्रोसेस फॉलो करना है। सर नीट पीवाईक्यू भी तो एमटीजी में वही होते हैं? हाँ नीट पीवाईक्यू के बाद ही बता रहा हूँ, एमटीजी की बात नहीं कर रहा मैं, एमटीजी में तो नीट पीवाईक्यू आपने कर लिए, है ना, सॉल्यूशंस भी आपने देख लिए, आपको समझ में भी आ गए, नहीं आए तो आपने पूछे, जब आप ये सारा काम कर लोगे उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो नीट के नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको जो या तो डीपीपी में दिए गए या आपके कोई रेफरेंस बुक है आपके पास उससे आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, या आप कहीं और पढ़ रहे हो तो आपने वहां से क्वेश्चन ले लिए, जब आप उनको सॉल्व करोगे तब उस चैप्टर में उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि अब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो सर नीट के पीवाईक्यू कहां से ले? एमटीजी से लो ना। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, सारे सॉल्व कर लो सारे। ओके अच्छा, लास्ट 10 ईयर के सॉल्व करना, सारे तो कैसे करोगे, लास्ट 10 ईयर्स के कर लेना। ओके सर। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आज रात को क्लास में। बाय बाय। अर्जुन और गोपाल क्लास में नहीं है क्या?